वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी है, आज है जुमेरात और अभी बचे हैं 7:45 रात के और मैं कर रही हूँ फंसी का वेट क्योंकि हम लोग को जाना है थोड़ा बहुत शॉपिंग के लिए। शॉपिंग मतलब घर की कुछ चीज़ें लेने के लिए। और मेरे प्यारी प्यारी फिशेस का फूड भी ख़त्म हो गया है तो वो भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज थोड़ा सा बचा था तो वही दिया था मैंने इन लोगों को। और बहुत दिनों से घर का व्लॉग भी नहीं बनाया तो आप लोग की डिमांड भी पूरी कर देते हैं। फंसी आ चुके हैं, बेल जैसे आपने सुन लिया है। अस्सलामुअलैकुम। तो फ्रेंड्स फंसी आ चुके हैं तो अभी हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं बस और निकलते हैं। पता नहीं क्यों फंसी का मूड ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। यहाँ पे रोज़ ही कोई ना कोई गणेशा निकलता रहता है क्योंकि अभी गणेशा का टाइम चल रहा है। तो हम लोग रहते हैं नॉन मुस्लिम एरिया में तो ऐसा है। तो बस चलते हैं और देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करेंगे, जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आपने देखा हमारे घर के बाहर निकल रहा था गणेशा और अभी आ गए हम लोग यहाँ पे फ़िश एक्वेरियम की शॉप पे फ़िश फूड लेने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे पैरट्स भी मिलते हैं छोटे छोटे से और यहाँ पे प्यारा सा कबूतर था पिजियन, बहुत ही प्यारा लग रहा था फ्रेंड। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ गए लूलू डेली में जो फोरम मॉल में ग्राउंड फ्लोर पे है। और यहाँ पे घर की चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती है, ऑफ़र में मिल जाती है। यहाँ पे आजकल हर रोज़ ही 60-70-80% ऑफ रहता है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग घर का कुछ सामान लेने के लिए। लेंगे ये? अच्छा, ये गंदे कपड़े वगैरह कुछ भी स्टोर कर सकते हैं जी। ये देखो सन प्योर ऑफर है, सेव 50 रुपीज के ऊपर लेना पड़ता है ऑयल। ये लेना कितना है? 99। सिर्फ 99 का? ये तो 99, ये भी 99। ये तो है मेरे पास, लिए थे एक बार। कौन सा है? एक भी है नहीं मेरे पास लकड़ी का। ये नहीं है ना जी, ये अच्छा है स्टील का बॉटल ऑयल के लिए। कितना है? 50% ऑफ। कितना? मेरा किचन 1200 का, 600 रुपये, 600 रुपये ऑफ। 600 खाली है, लिए जाना। छोटा वो क्या देखो, इसमें स्टीम भी करने का है। छोटा वो ये मोमोज वगैरह स्टीम, कुछ भी स्टीम कर सकते हैं। मोमोज करते नहीं हैं। अच्छा है बट दो लोगों के लिए अच्छा है, छोटा सा। कुकर्स में भी ऑफर है फ्रेंड। कुशन्स में बट ये कुशन्स 180, ये भी रखो 50% ऑफ। ये अच्छा बट इसमें ये क्या है फ्रेंड्स? इसमें छोटे छोटे से कुछ है अजीब है नहीं? 300 जब अपना घर होगा ना तो ऐसा बाथरूम सेट रखना, जब अपना घर होगा इंशाल्लाह तो ऐसा बाथरूम सेट। बट ज़्यादा महंगा नहीं है, 1000 रुपये का। कितना है? 1300। फ्रेंड्स हम लोग क्या लेने आए हैं बताओ? चिकन चिकन फिश फिश नहीं,
फ्रूट्स लेना। मुझे एक कंबल मैंने ऐसा लिया था, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, पिंकिश। 400 को लिए थे सर, अब 600 को है, बट अच्छा है ये पिंक, लेंगे। ये देखो ये 500 को, ऐसा सिंगल है। हाँ सिंगल है। लहसुन चाहिए मुझे, 400 रुपये। बाहर भी इतना ही है, बट यहाँ देखो बड़ा बड़ा है, बड़ा है जी, देखो कितना बड़ा बड़ा, 419। बाहर भी इतना ही है, आपके जगह पे कितना है पता नहीं मुझे, बट बहुत कम है ना वो। ये अगर हम लोग थोड़ा सा लेंगे तो पाव भर 250 ग्राम इतना जाता, उतना ही आता वो। देखो डेट देखो, ठीक है फ्रेंड। पनीर यहाँ भी कम है, आधा केजी नहीं, इसमें कम है, सॉरी 310 का 270। ये ले लो एक, बस ये मुझे छोड़ के चले गए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं खाली बेकार की चीज़ें ले, उधर चले गए देखिए अपने मतलब की चीज़ देखने के लिए। योगर्ट लेंगे, योगर्ट योगर्ट भी पहले खाते थे ना, ये देखो कितना क्यूट है। एग लेना मेरे को, छोटा ले लेंगे नहीं एग। कितना है, 89 रुपीस। ये क्या जी है, कभी मैं कभी भी नहीं खाई है, छोकरियां बहुत अच्छे से खाती हैं, मैं कभी भी नहीं खाई तोड़ के अंदर। फ्रेंड्स आप लोग ने खाया है क्या बताना कमेंट में, टूटापल खाती है तो मैं खा को ही है, बहुत खा को, बस बस बचपन में ज़्यादा हो जाती हूँ, बचपन में बहुत खा नहीं नहीं ये लेंगे, छोटे छोटे से संतरे ऑरेंज। तो फ्रेंड्स मेन काम के लिए जिसके लिए आए थे हम लोग, चिकन लेने के लिए, थोड़ा थोड़ा घर का सामान जी, स्मॉल जी स्मॉल एग के बॉक्सेस नहीं है इस बार, उधर है फिश का मटन का। अभी जा रहे हैं फूड एरिया में कुछ खाने के लिए, बहुत दिन से बाहर का कुछ खाया नहीं है मैंने, तो देखते हैं फंसी क्या खिलाते हैं। क्या खिलाओगे फ्रेंड्स, इसमें एक बार जाना है मुझे, कुछ तो नया ओपन हुआ है, काम है फसी फसी कहाँ चले गए मुझे छोड़ के, वो ऑर्डर लेना है। दो पेरी पेरी मिला अमीना को, घर का खाना खा नहीं जाता, बाहर का खाना जो दो पूरा वाह कहते कहते, यही खाली दो दो बर्गर हाँ, वो क्या फ्रेंच फ्राइज पूरा मैं खाई हूँ, पूरा तो वेज खाई।
बाहर गए डेली बाहर का खाने बोलो खाती बाहर का खाने मुझे यहाँ दर्द वहाँ दर्द करते थे खाते रहती तो कैसा खरी बाबा बाबा नजर नको लगो नजर नको लगो अभी जब खा खा को कैसा पूछ रहे बेचारे ओहो दाता का तो भी दाता का। फ्रेंड्स खा पी के हो गया है और हम दोनों ने मिल के खाया, इन्होंने खाली मेरे ही हंसी उड़ाई। देख सकते हो आप लोग ये हस्बैंड लोग भी कैसे होते हैं ना। बस खा पी के हो गया, अभी जा रहे हैं हम लोग घर वापस, आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह। तो चलते हैं। The next day. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आज हो गया नेक्स्ट डे। आप सबको जुमा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज जुमे का दिन है, बस सारा काम निपटा के सब करके नमाज पढ़ के तस्बीह पढ़ के बैठी थी। मैंने कहा व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, कल मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था, वहीं गए थे हम लोग शॉप थोड़ा बहुत शॉपिंग के लिए। फिर फसी ने कहा आज छोड़ो यहीं पर खा लेते हैं, तो फिर वहीं पर बर्गर वगैरह खा लिया, खाया दोनों लोगों ने, सिर्फ मुझे शूट किया फसी ने। और जो है मेरी कुछ दिनों से तबीयत भी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं व्लॉग्स नहीं बनाई थी फ्रेंड्स। और फिर मैं समझ में नहीं आता कि मैं क्या बनाऊं, क्योंकि मैं कहीं भी जा भी नहीं रही हूँ, घर ही में हूँ। और कल गई थी तो फिर शूट किया, बस मछलियों को खाना भी लेना था। आज सुबह मछलियों को खाना डाला, वो बहुत खुश हो गई, उनको कल थोड़ा सा खाना दिया था, भूखी थी वो लोग। तो बस अब जाते हैं खाना खाते हैं। सुबह मैंने बनाया था टमाटो राइस, वही फसी को टिफिन में दिया था, तो वही अब मैं भी खाऊँगी, वो रखा हुआ है। बस अभी बजे 3 और यहाँ पे 12 बजे से लाइट नहीं आ रही, करंट नहीं आ रहा है। बस सारे काम मैंने बिना लाइट के ही आज किए हैं, झाड़ू पोछा पूरा, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ, नहाया धोया भी बिना लाइट के, सब कुछ बिना लाइट के हुआ है आज। तो देखते हैं लाइट कब आती है। तो ये अच्छा है कि मेरे रूम में विंडो है, तो खोल के बैठे थोड़ा अच्छा लगता है, हवा वगैरह आती है, नहीं तो फिर आदमी बिना लाइट के क्या ही करे। खाना खाते हैं फिर चलते हैं मम्मी के, आप लोग को उनसे ही मिलाते हैं, बहुत दिन हो गए उनसे मिले नहीं, आप लोग घर के ब्लॉग नहीं बने, तो ये ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं बहुत दिनों से, मतलब बहुत दिनों से नहीं, एक हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ ये दो प्रोडक्ट, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये मैंने मंगाया था पर्पल हॉल से मंगाया था। ये है गुड वाइब्स का ब्राइटनिंग टोनर राइस वाला, और ये है ये कोल्ड क्रीम है, मतलब फेस क्रीम है, जेल टाइप है क्रीम, ब्राइटनिंग क्रीम है राइस का, ये भी है। दोनों मतलब इन दोनों का पैकेज है, और ये मैं 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है फ्रेंड्स। तो मैंने कहा आप लोग को भी सजेस्ट करूँ, अगर किसी के आपके पोर्स हैं, चेहरे पे बहुत पोर्स हैं और डल रहती है स्किन, तो आप ये यूज़ कर सकते हो गुड वाइब्स का। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, और इसके साथ फेस वॉश भी आता है, लेकिन मैं फेस वॉश अपना ही यूज़ करती हूँ, हिमालय का नीम फेस वॉश, तो मुझे वही सूट करता है। तो ये दो चीज़ मैं 2 टाइम यूज़ कर रही हूँ, ये टोनर तो 2 टाइम सुबह शाम, और क्रीम सिर्फ मैं दिन में यूज़ करती हूँ, शाम को रात को यूज़ नहीं करती फेस वॉश के बाद। तो बस आप लोग को सजेस्ट किया, अगर आप लोग को चाहिए तो आप ले सकते हो। पर्पल से मंगाया है, आप इसको नायका से भी ले सकते हो और कोई भी जगह से, जो भी ऐप से आप लेना चाहते हो। तो बस इसको ऐसे शेक करके, और ऐसे इसमें स्प्रे है ना, तो ऐसे करके आंखें बंद रखनी है, हल्के हाथों से टैप करना है, और ये अपने आप ही पूरा अब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में। तो जब ये अब्जॉर्ब हो जाए तो उसके बाद आप ये क्रीम भी लगा सकते हो, लेकिन मैं अभी क्रीम अवॉइड करूँगी, क्योंकि ये पूरा गीला गीला है और यहाँ पे फैन भी नहीं चल रहा है, तो ये थोड़ा देर होगा सूखने के लिए। तो बस ये सूखने के बाद ये थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे, इसका भी टेक्स्चर कुछ ऐसा है, जेल फॉर्म में है टेक्स्चर इसका, क्रीमी क्रीमी नहीं है, ये पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है फेस पे। और ये बिल्कुल भी, जैसे बहुत सी कोल्ड क्रीम्स ऐसी होती है ना फ्रेंड्स कि जो है लगाने के बाद आपका चेहरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो वैसा नहीं होता, ये जेल फॉर्म में तो अच्छी होती है। अगर आप लोग मंगाना चाहते हो तो मंगा सकते हो। तो बस देख सकते हो आप लोग, थोड़ा सा ग्लो ग्लो आ जाता है इसको लगाने के बाद, चेहरा ब्राइट ब्राइट रहता है जैसा कि उसमें लिखा हुआ है। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, बस सजेशन है, जैसे कोई आप लोग यूज़ करना चाहते हो, तो जो भी मैं यूज़ करती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो मैंने कहा ये भी शेयर कर देते हैं। अब चलते हैं खाना खाते, बहुत तेज़ भूख लगी है मुझे।
इतना अंधेरा क्यों है भाई? बाहर से बंद क्यों है ये? अंदर से भी बंद है, बाहर से भी बंद है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई मम्मी के, और मम्मी सोची कि पता नहीं कौन आ गया, इतनी तेज मेरे ऊपर चिल्लाई के कौन है। लेटे गई पर टंडरा गई रुके। फ्रेंड्स मैं आ गई फंसी रास्ते में, आ रहे बस अर्जेंट में आ गई थोड़ी देर के लिए क्योंकि फंसी के आज जल्दी आ रहे हैं। हमें कौन है? अगर तुम्हारी बात जाए। हेलो फ्रेंड्स का दो बहुत दिनों के बाद, कैसे आप लोग, कैसे हो आप? ठीक हो? गुड। इनसे मिल लिए झगड़ो ला रही। हेलो एवरीवन, चेपे खाई खाई। तो फ्रेंड्स कल मैं अमरूद लेके आई थी ना वहाँ से, तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ इन लोग को भी दे दूँ खाने के लिए अमरूद। कैसा है, मीठा है? रात में नहीं खाना चाहिए यार, शाम है। फंसी रास्ते में अभी जाके मुझे बिरयानी पकानी है फ्रेंड घर में। कल मैं चिकन लाई थी लेकिन कल नहीं बना पाई, जैसा कि वही डिनर किया था आप लोगों ने देखा। आज जाके कुछ नया खाते जी नहीं, फंसी वाला डायलॉग मत मारो, फंसी वाला डायलॉग मार रही है। फंसी के सिवा हम लोग बाहर का पसंद है, बस घर का बताओ, घर का ही खाते हैं रोज। बाहर को सभी को पसंद रहता है। कैसे बाहर का पसंद? बोला कि बाहर खाते हैं, मैंने ये बोला कि घर में खाते हैं। इरा मैं दिखा। फिर सदीवा काली चाय बना रही मम्मी के लिए, जाओ बना के। और मैं अभी आई हूँ यहाँ पे, आके बैठी हूँ, थोड़े बैठी हूँ, फंसी आ जाएंगे तो फिर चले जाएंगे, फिर जाएंगे खाना बनाएंगे। जल्दी आना नहीं हुआ मालूम है, मेरे घर में लाइट नहीं आ रही, पूरे बिल्डिंग में लाइट आ रही है, मेरे घर में लाइट नहीं आ रही फ्रेंड। दो बार ऐसा हो चुका है पता नहीं क्यों। बिल नहीं भरा था, बिल सच में भरा है, बिल इतना ज्यादा आता है भरते डर लगता है। इतना कम बिल आता है कि आप कौन बिल नहीं भरेगा? एक रुपए बिल आता है तो कौन नहीं भरेगा? इनको दे दो ना आधा। मम्मी का भी कब आता है ना? कभी 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 कभी, पता नहीं क्यों हिल रहा है ये पंखे हुए से शायद। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत गपशप करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। नहीं हम बताएं वो इनका बिल क्या, तुम्हारा बिल कितना आया? अब की एक रुपया है, कम आया 37 रुपए। फ्रेंड बताइए कि बिल नहीं भरा है, बिल इतना कम आया कोई नहीं भरेगा। अगर आपका 1000 रुपए आता हाँ पहले ऐसा हाँ, और इनका 37 आता तो इनको सेटिस्फिकेशन होता, लेकिन आपका 1 रुपया 37 आया इनको तब भी ज्यादा आया। ठीक है मम्मी 37 के लिए खुश है क्योंकि मम्मी का 1000 1200 मेरा 1800 आता है, 1800 1000 ऐसे आता है बिल। फ्रेंड्स अभी कुछ मतलब मीटर का मसला है, ऑनर से बात की हम लोगों ने, देखेंगे क्या मसला है। दो बार ऐसा हो चुका है, पूरी बिल्डिंग में करंट आता है और मेरे घर में करंट नहीं आता है, दो बार ऐसा हुआ है। फ्रेंड्स देखिए मम्मी का घर पूरा चेंज हो गया, मम्मी का पीला सोफा गायब हो गया, अब घर खुला खुला लग रहा है, जगह ही जगह है, ये सिंहासन यहाँ पे पड़ गया। और ये देखिए इनको, देखिए मॉडल को, अब ये दीवान जो अंदर था वो बाहर आ चुका है, तो पूरा हॉल मम्मी का खुला खुला हो गया, अच्छा हो गया, अब अच्छा लग रहा है। आप लोगों को मेरे सब्सक्राइबर बहुत मिस कर रहे थे, कहते घर का व्लॉग बनाओ, घर का व्लॉग बनाओ, क्या करे घर के व्लॉग में, तमाशा। तुम कुकिंग करो ना, कुछ पका के खिलाओ। मैं कुकिंग करने जा रही हूँ, चलो बेटा। आप चाय चाय बनाए जा रही हूँ, वो कोई बच्चा भी बना लेगा। बहुत सारे लोग फ्रेंड्स अदीवा देखिए कहाँ बैठी है। हम आए थे थोड़ी देर अपनी मम्मी की टेरेस पे वॉक करने के लिए, तो अदीवा देखिए कहाँ बैठी है, देखिए मेरा फेस नहीं दिख रहा, फ्लैश ऑन करो। दिख रहा है, दिख रहा है, पूरी जबड़ी लग रही। अब दिखा, अब सही है। फ्रेंड्स हम लोग वॉक कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ी देर, मैंने कहा कहीं तो वॉक करने जा नहीं सकते तो मम्मी की टेरेस पे ही कम से कम 20-25 चक्कर लगा ले ऐसे ऐसे। वो आप दिख रही हो इसीलिए तो दिख रहे, तो तभी तो बना रहे हैं, मैं भी दिख रही हूँ। हाय एवरीवन फ्रेंड्स, इसीलिए 20-25 ऐसे राउंड लगाएंगे। टेस्ट ये मुझे भी लगवा रही है, ये वैसे ही हवा में उड़ने वाली। शादी से पहले पता है आपको यही मैंने सिर्फ यहाँ पे गोल गोल वॉकिंग करके दो टाइम मॉर्निंग में
फजर के बाद और नाइट में खाना खाने के बाद मैंने कम से कम नहीं तो भी 20 किलो वजन कम किया था अपना शादी से पहले इसी टेरेस पे। पहले क्यों किया था आपने? क्योंकि बहुत मोटे थे तब भी हम, मेरा वेट तब 61 था, मैंने 39 ऐसे कुछ कर लिया था, 40 कर लिया था शायद। वाह, मेरा 43 है। बहुत दुबले हो गए थे हम, तो मेरी शादी से पहले की फोटोज देखो। आप मैं ही रहती थी? हाँ, बहुत दुबले थे। मैं 43 की हूँ। लेकिन पता है, ऐसे बात करते करते वॉक कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, पता नहीं क्यों। आपकी उम्र होगी अपनी। मेरी अभी मेरी एज की लड़कियों ने अभी तक शादी तक नहीं की है, और मेरी एज हो गई है, बता दे तो। इधर आ रहा है। मेरी एज की कितनी लड़कियाँ जिनकी अभी तक शादी तक नहीं हुई है फ्रेंड्स, और मेरी एज हो गई है इनकी एज। A few moments later. फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रही है मेरी बिरयानी। मैं घर आ गई थी, फंसी भी आ गए थे, टमाटर नहीं थे घर में तो थोड़ा लेट हो गया काटने पीटने में। फंसी टमाटर लेके आए तो मसाला भून के मैंने यहाँ पे चिकन ऐड कर दिया है, ये धुआं आ जाता है। चिकन ऐड कर दिया है, वो थोड़ा मसाले में हो रहा है। उसके बाद डालेंगे टमाटो, उसके बाद डालेंगे कोथिमीर, पुदीना, हरी मिर्चे और कस्तूरी मेथी, थोड़ी सी प्याज कच्ची, और दही भी डालेंगे। दही भी रख रखा है, दही भी डालेंगे। बस इतना ही रहता है इसमें, पहले मसाले में। अरे धुआं, पहले मसाले में चिकन पूरा भून लो, उसके बाद ऊपर से टमाटो और ये सब ऐड करो। कुछ लोग क्या करते हैं ना, मसाले में ही टमाटो वगैरह ऐड कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए, उससे फ्लेवर थोड़ा इन्हेंस हो के नहीं आता। बस ये अच्छे से भून गया, इसमें टमाटो ऐड करते हैं फिर बनाते हैं। फ्रेंड, भूख इतनी तेज़ लगी थी कि मैंने खाना स्टार्ट कर दिया और वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं किया आप लोगों के लिए। तो बिरयानी बन के रेडी है गर्मा गर्म, आइए आप लोग भी खाइए, खा के फिर मिलते हैं। बहुत अच्छी बनी है। तो फ्रेंड्स, खाना पीना हो गया था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना कि मैं शूट ही करना भूल गई, पकाने के बाद फटाफट खाने की तरफ चली गई। तो बस फ्रेंड, बहुत अच्छी बिरयानी पकी थी। बहुत देर भी लगती है पकाने में, मतलब बिरयानी यानी का क्या है ना, पूरा प्रिपरेशन करने के बाद ही मैं बघाड़ती हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता है। और बस फेस वॉश वगैरह सब कर लिया, चेंज कर लिया, सब कर लिया, खा पी के हो गया। बस ये व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। चैनल पर नजर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा, जो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट। और मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा ही मोटी हो गई हूँ। तो कुछ सजेस्ट करिए कि मैं कैसे दुबली हो सकूँ, क्योंकि वॉक पर तो मैं जा नहीं सकती, अकेले जाने होता नहीं है और कोई मेरा साथ जाता नहीं है, तो फंसी भी नहीं जाते हैं। मैं उनसे कहती हूँ चलो सुबह उठ के वॉक पे चलेंगे, तो वो भी सोते रहते हैं और मैं भी सो जाती हूँ, इतना थक जाते हैं फ्रेंड्स। तो बस कुछ सजेस्ट करिएगा, अगर जल्दी वेट घटाने के लिए कुछ आप लोग सजेस्ट कर सको। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, आजकल थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो दुआओं में खासकर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, बाय बाय।